हेलो एवरीबॉडी, अभी हम डिस्कस करेंगे रिड्यूस सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स फॉर द सेशन 22-23 के लिए कि सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो हमने इस सिलेबस को भी डिवाइडेड इन फोर कैटेगरीज, इसको चार कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। सो फर्स्ट कैटेगरी में हमने वो रखा है जिसमें कोई भी कट नहीं किया हुआ है। सो फ्यू चैप्टर्स आर देयर जिनमें कोई भी कट नहीं है। चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कोई भी कुछ भी कट नहीं है, कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री मीन्स हाइट एंड डिस्टेंस वाला, क्योंकि एनसीईआरटी में सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से है, इन अदर बुक्स में हाइट एंड डिस्टेंसेज इज देयर ओनली। सिमिलरली चैप्टर 10 में सर्कल में नो कट, कुछ भी डिलीट नहीं है। एंड चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसमें भी कुछ भी डिलीट नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर एज इट इज पूछा जाएगा। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में भी कोई भी कट नहीं है। सो देयर आर द सिक्स चैप्टर हैं ये, 5 चैप्टर 9 10 12 14 एंड 15, इनमें कोई भी कट नहीं है, कुछ भी डिलीट इन्होंने सीबीएसई ने नहीं किया हुआ है 2022-23 के लिए। सेकेंड कैटेगरी में हमने वो चैप्टर को रखा है जिसको कम्प्लीटली डिलीट है। तो आपका जो एक चैप्टर है कंस्ट्रक्शन, विच इज़ चैप्टर 11, ये कम्प्लीटली सीबीएसई ने इसको डिलीट कर दिया है, कुछ भी इसमें से नहीं पूछा जाएगा, नथिंग विल बी आस्क्ड। थर्ड कैटेगरी में हमने लिया है जिसमें चैप्टर विद स्मॉल रिडक्शन, बहुत कम इन्होंने इसमें से डिलीट किया हुआ है। तो सबसे पहले चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला पूछा जाएगा, इंटरनल डिवीजन, बिकॉज सेक्शन फार्मूला में क्या है, दो पार्ट हैं, एक्सटर्नल डिवीजन एंड इंटरनल डिवीजन। तो एक्सटर्नल डिवीजन आपके सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द इंटरनल डिवीजन। तो इसमें जो एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2 आएगी, ये एक्सरसाइज से क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, ये एक्सरसाइज आएगी। क्या इसमें डिलीट किया हुआ है, एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये डिलीट है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सेक्शन फार्मूला में एक्सटर्नल डिवीजन, बिकॉज एक्सटर्नल डिवीजन हमारे ऑलरेडी सिलेबस में नहीं है। तो इसके बिहाफ पर यू कैन से कि एक्सरसाइज 7.3 विद एग्जाम्पल्स पेज नंबर 168 पर ये नहीं पूछा जाएगा। लाइक एग्जाम्पल 11 नहीं आएगा, 12 13 14 15 ये नहीं आएगा, इनमें से कोई भी एग्जाम्पल नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि सेक्शन फार्मूला में हमारा केवल इंटरनल डिवीजन है और एरिया ऑफ ट्राइंगल बिल्कुल डिलीट किया हुआ है। ऐसे ही चैप्टर 8 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसमें जो फर्स्ट थ्री एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 8.1 आएगी, एक्सरसाइज 8.2 एंड 8.4, दिस इज बेस्ड ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है एक्सरसाइज 8.4 जो है, तो ये दिस विल ऑल्सो बी आस्क्ड। अब इसमें से डिलीट क्या किया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये इसको डिलीट किया हुआ है। मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में यू नो दैट इज ये होता है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो दिस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपको बिल्कुल इसमें से आउट कर दिया, डिलीट कर दिया गया है। तो इसके हिसाब से एक्सरसाइज 8.3 नहीं आएगी, ये पेज नंबर 189 पर है, कम्प्लीटली कट किया हुआ है इसको। 8.3 एक्सरसाइज आपको बोर्ड में 2022-23 सेशन में नहीं पूछी जाएगी। तो 8.3 एक्सरसाइज इज ऑलरेडी आउट है। इसी के यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स 9 10 एंड 11 ये भी नहीं आएगा, ये भी एग्जाम्पल आपको नहीं पूछे जाएंगे। इसको सिलेबस को आप पूरे नोट कर लीजिए, क्योंकि बार बार आप वीडियो नहीं देख पाएंगे, तो इस पूरे सिलेबस को नोट कर लीजिए और बाकी बच्चों को भी ये शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को और दूसरे अपने जो है क्लासमेट्स को, ठीक है, तो वो भी इसको देख सकते हैं। चैप्टर 13 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें एक्सरसाइज फर्स्ट थ्री एक्सरसाइज आएंगी, पहली थ्री एक्सरसाइज 13.1 13.2 एंड 13.3 आएगी, ये तीनों एक्सरसाइज आएंगी। इसमें डिलीट क्या किया गया, फ्रस्टम ऑफ कोन, ये इसमें सिलेबस से डिलीट किया हुआ है। तो इसमें जो इस फ्रस्टम ऑफ कोन पर जो एक्सरसाइज है हमारी वो 13.4 एनसीईआरटी में, ये नहीं आएगी। इसी पर बेस जो एग्जाम्पल हैं, इससे एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल 12 है 13 है 14 है, ये नहीं आएगा,
इनमें से कोई भी एग्जाम्पल नहीं पूछा जाएगा। फोर्थ कैटेगरी में हमने उसको इंक्लूड किया है जो जिनमें लार्ज रिडक्शन हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्थ वाले। इसमें आपको ध्यान से देखना है कि हमको क्या नहीं पूछा जाएगा और क्या पूछा जाएगा, ठीक है। तो इनको थोड़ा ध्यान से देखिए कि लार्ज रिडक्शन हमारा क्या क्या हुआ है इसमें। सो फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, रियल नंबर में आपको एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.4 नहीं आएगी विद एग्जाम्पल। 1.1 और 1.4 में जो भी है वो नहीं पूछा जाएगा, विद एग्जाम्पल इज देयर ऑनली, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2, 1.3 ये आएगी, इसमें सभी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें 1.2 एंड 1.3 एक्सरसाइज आपके सिलेबस में आएगी, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको करना है। ऐसे ही चैप्टर अगर हम 2 की बात करते हैं पॉलीनोमियल्स की, तो पॉलीनोमियल्स में हमारी फर्स्ट दो एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 ये आपको सिलेबस में है आएगी, लेकिन एक्सरसाइज 2.3 और 2.4 नहीं आएगी, ठीक है। इसमें से क्या डिलीट किया हुआ है, ये डिवीजन एल्गोरिथम पेज नंबर 33 पर, एनसीईआरटी में दे रखा है ये, पेज नंबर 33 पर है डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। और इसी प्रकार जो एग्जांपल 5 है वो भी नहीं आएगा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स में से एक्सरसाइज 2.1 2.3 आएगी, 2.3 2.4 नहीं आएगी, और इसका एग्जाम्पल 5 भी नहीं आएगा क्योंकि डिवीजन एल्गोरिथम को इसमें सिलेबस में से आउट कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका चैप्टर 3, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में काउंट होता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, इसमें जो एक्सरसाइज है 3.1 3.2 3.3 एंड 3.4 ये आएगी, ये चारों एक्सरसाइज 4 एक्सरसाइज हैं, ये सिलेबस में आपके हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा 3.1 3.2 3.3 एंड 3.4। इसमें जो आउट किया हुआ है वो है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल, दैट इज ऑन पेज नंबर 57 पर आपको दे रखा है, पेज नंबर 57 पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल, ये सिलेबस में से इसको आउट किया हुआ है, ठीक है। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो एक्सरसाइज है 3.5 इज देयर ओनली, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले हैं ना वो नहीं आएगा, ठीक है। 3.5 और 3.6 ये नहीं आएगी बेस्ड ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, बेस्ड ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन। अगर वो पूछते हैं तो वो ये नहीं कहेंगे यू हैव टू सॉल्व बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो लाइक इन 3.5 में जो वर्ड्स प्रॉब्लम गिवन है ना, अदर प्रॉब्लम्स हैं, आई थिंक वो आप लोगों को जरूर करनी चाहिए, क्योंकि केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल मेथड दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो कोई भी क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछा जाएगा कि यू हैव टू सॉल्व बाय यूजिंग दिस वन इज द ओनली। और दिस एक्सरसाइज 3.6 है ये भी नहीं आएगी, ये भी इसमें से आउट किया हुआ है, ठीक है, दिस वन इज द ओनली। अब नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 4 द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको एक्सरसाइज 4.1 4.2 एंड 4.4 ये आएंगी, ये सिलेबस में है आपके। इसमें से जो डिलीट किया हुआ है वो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इस मेथड को इन्होंने आउट किया हुआ है, क्वेश्चन कंप्लीटिंग द स्क्वायर पर नहीं पूछा जाएगा। जैसे अगर देखिए, मैं यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, यहाँ जो बोला है ना वर्ड प्रॉब्लम तो आपको करना ही है, वो दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल इज आउट है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल आउट है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम कैन बी आस्क्ड इज देयर, इक्वेशन यू मस्ट फॉर्म, फिर उसके बाद एलिमिनेशन और जो सब्स्टिट्यूशन मेथड और यू हैव टू अप्लाई। सिमिलरली हियर, यहाँ भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर ये आपके सिलेबस में नहीं है, ओनली कंप्लीटिंग द स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चंस 4.3 से, सेम 4.3 में है। 4.3 में अगर आप देखेंगे तो कुछ जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपको 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर इस नाम से ऐसे करके आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो मेरी एडवाइस है कि आप इसके जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं आप उनको जरूर कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड बट नॉट बेस्ड ऑन द कंप्लीटिंग द स्क्वायर, है ना।
इक्वेशंस अगर निकल बनती है तो फिर दे कैन आस्क ओनली अदर फार्मूलाज, क्वाड्रेटिक और अदर फार्मूलाज इज देयर। ठीक है, एग्जांपल 7, 8 एंड 9 ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये नहीं आएगा। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर पर तो ये सिलेबस में नहीं है। इसके बाद देखिए चैप्टर 6 ट्राइंगल, इसको ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से देखना है। इसमें इसमें जो थियरम्स हैं आपकी थियरम 6.1 दैट इज द बीपीटी, यू कैन से बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम, ये आएगी। इसका कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम आएगा। एक्सरसाइज दिस थियरम 6.3, 6.4 एंड 6.5 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी वाला है, ये आएंगी। और एक्सरसाइज 6.1, 6.2, 6.3 ये आपके सिलेबस में ये एक्सरसाइज आएंगी। थियोरम 6.6 पेज नंबर 144 पर ये नहीं आएगी। ये थियोरम है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। सो अगर इफ एनी क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दिस वन, अगर कोई भी क्वेश्चन इस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन दिस थियोरम, वो आपको नहीं पूछा जाएगा, वो नहीं आएगा। ठीक है, तो ट्राइंगल में से इस पर ये नहीं आएगा। एग्जाम्पल 9 है, इसी पर बेस्ड है, नहीं आएगा। थियोरम 6.7 कट है, आउट किया हुआ है। थियोरम 6.8 वो पाइथागोरस थियोरम है, ये भी इसको आउट किया हुआ है। 6.9 है कन्वर्स ऑफ द पाइथागोरस थियोरम, ये भी आउट है, नहीं आएगी। तो इस पर बेस्ड जो एक्सरसाइज है 6.4 एंड 6.5 दिस वन, ये भी आपके सिलेबस में से आउट है, इस पर भी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आएगा। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है, इसको आप नोट कर लीजिए और मैक्सिमम इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, जिससे सभी और बाकी बच्चों को रिड्यूस सिलेबस कम्प्लीटली पता चले। इसके बाद एक दूसरा वीडियो मैं इसको अपलोड करूँगा उसको साइंस के लिए, कि उसमें हमने CBSE ने क्या क्या कट किया हुआ है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।